6 to 7 months of lockdown, मेरा वेट जो है 8 से 9 केजीज तक मेरा वेट जो है वो कम। हेलो डियर, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका भाई जतिन, जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग से सब्जेक्ट पे होने जा रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग से सब्जेक्ट पे होने जा रहा है, वो है हमारी पर्सनैलिटी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हमारी बॉडी। अब हमारी बॉडी जो है भाई, आपको पता ही होगा कितना इम्पोर्टेंट रोल हमारी पर्सनैलिटी में प्ले करती है। अगर हम कोई टी शर्ट्स पहनते हैं, शर्ट्स वेयर करते हैं, हुडीज वेयर करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी आप कपड़े वेयर करते हैं, तो उसके अंदर से हमारी बॉडी, अगर हमारी बॉडी कुछ अच्छी है, अच्छी खासी हमारी बॉडी है, तो हमारे कपड़े जो है वो हमारे ऊपर, सिंपल से कपड़े भी हमारे ऊपर एकदम उभर के दिखते हैं, हमारे ओवरऑल पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाते हैं। तो भाई इसी के लिए मैंने ये वीडियो लाया है, एंड आफ्टर 2 मंथ्स मैंने भी अच्छी खासी कुछ बॉडी बना ली है। अब भाई देखो, हमें कोई बॉडी बिल्डिंग का शो वगैरह लड़ने नहीं जाना, एक अच्छा सा नॉर्मल सा हमारे बॉडी, एंड नॉर्मल से हमारी जो बॉडी है, अच्छी सी बॉडी पोस्चर जो है हमारा, वो हमारे लुक को इम्प्रूव करने में बहुत मदद कर। तो मैंने ये सब से आपको बता लिया कि है ना हमें करना क्या है, एंड अब इसे करना कैसे है, मीन्स है ना हमें बॉडी बनानी कैसे, इसे अचीव कैसे करना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो भाई, मेरे बहुत से जैसे फ्रेंड्स है वो बॉडी बनाने के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि हमें, तो भाई बॉडी बनाने के पीछे इतना पागल मत हो कि अपनी बॉडी को पूरा ख़राब कर बैठो। अब करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको करना क्या है बॉडी के लिए, सबसे पहले आपको सिंपल एक जिम ज्वाइन करना है, अच्छा सा, आपको अपने हिसाब से अच्छा सा, अपने बजट में ऐसा जिम ज्वाइन करना है जो हमारे बजट में हो। भाई ऐसा नहीं कि है ना हाई, आप देखोगे कि है ना ये जिम बहुत अच्छा है, मीन्स ये वो है, बट वो हमारे बजट में नहीं है, बजट के बहुत बाहर है, एंड अभी तो आप है ना उसको अफोर्ड कर ले रहे हो, एंड आगे चल के वो हमारे बजट के बाहर चल जा रहा है, हम पैसे उसके भर ही नहीं सक रहे, तो भाई आगे आपको छोड़ने की नौबत आ सकती है। इसीलिए पहले ही अपने बजट में जो है वो जिम सिलेक्ट करो, जिससे आप कंटिन्यू उसको जिम को कर सको। अब हमने जिम तो सिलेक्ट कर लिया, अच्छा सा भाई ने बोल दिया, आपने जिम सिलेक्ट कर भी लिया आपने, अब हमें करना क्या है, सिंपल सा माइंड एकदम शांत रखना है, एकदम से जाके हमें कोई वेट, बड़े बड़े वेट नहीं उठाने 25 से 30 के, हमें अपना माइंड शांत रखना है, एंड सिंपल सा जाके कोच रहा तो कोच से आप ले सकते हो ट्रेनिंग, या हमें सिंपल सा क्या करना है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप रील्स पे वगैरह बहुत सारे वीडियोस आते हैं। पहले क्या करना है, हमें स्टार्टिंग जो है वो हमें कम वेट से करनी है, एंड फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाना है, हमें डायरेक्टली बड़ा वेट नहीं लेना है, डायरेक्टली हमें 10 का 20 का डंबल्स नहीं लेना है, हमें 5 से 2.5 से ऐसे स्टार्टिंग करनी है, एंड फिर जाके वहाँ तक जाना है। एंड आप इसके लिए एक्सरसाइज आपको कौन सी करनी है वो तो मैं इतने वीडियो में नहीं बता सकता, बिकॉज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं जो आपको 2-3 एक्सरसाइज में आपको लास्ट में दिखा दूंगा वीडियो में, वो आप कर सकते हो आपके लिए मेन, एंड आपको करना क्या है। अब जिम में जाने के बाद में आपको सिंपली एक माइंड में बात रखनी है, वो टिप मैंने खुद अप्लाई की है मेरे ऊपर, एंड मैंने, मुझे उससे रिजल्ट मिले हैं, एंड ये मेरे कोई फ्रेंड ने मुझे बताई थी, अब मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो है हमारी लिफ्ट बिग, ईट बिग एंड बी बिग, ये जो है हमारी टिप मैंने अपने माइंड में रखी थी। एक बार मैं फिर से आपको बताऊंगा, लिफ्ट बिग, ईट बिग एंड बी बिग, ये टिप जो है वो, इसका अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप इसका अपोजिट कर सकते हैं, एंड आपको वेट गेन करना है तो आपके लिए ये टिप बेस्ट है, बिकॉज ऑफ मुझे वेट गेन करना था, एंड मुझे बॉडी का मास जो है वो गेन करना था, इसके लिए मैंने ये टिप मेरे मन में रखी है, एंड इससे ही मुझे सक्सेस मिला है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आता है लिफ्ट बिग। अब लिफ्ट बिग का मतलब हमें अब डायरेक्टली 25 से 30 के नंबर्स लेने नहीं है, अपने हिसाब से हमें जो परफेक्टली जो वेट हम उठा सक रहे हैं, एंड हमारे हिसाब से वो वेट ज़्यादा है तो वही आपको लेना है, मीन ज़्यादा से ज़्यादा आपको वेट लेना है, एंड जो आपसे परफेक्टली जाए वही वेट आपको लिफ्ट करना है, ये हो गया लिफ्ट बिग। अब सेकेंड ऑप्शन आता है हमारा, सेकेंड ऑप्शन आता है वो है हमारा ईट बिग, ये बात आती है अब डाइट पे। भाई अब डाइट आपको जो है, आपको अगर कुछ गेन करना है, अगर आपको आपको बॉडी में चेंज लाना है, तो डाइट जो है वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट सोर्स है, जिम के बाद में सबसे पहले आता है डाइट।
तो भाई अब आपको डाइट में करना क्या है, अब तो करना क्या है आपको, सिंपली आपको डाइट रखनी कैसी, अपनी सिंपल डाइट रखनी है बस। आप जितना आप डेली रूटीन में ले रहे हो उससे आपको अगर आपको गेन करना है तो आप कैलोरीज बढ़ाने के लिए उससे थोड़ा सा आपको सिर्फ ज़्यादा करना है, ये अति नहीं कर लेना है। एंड जितना आप खा रहे हो उतना तो आपको कंटिन्यू करना ही है, एंड उससे आप थोड़ा सा कर सकते हो ज़्यादा। मीन्स अगर आप दो रोटी खा रहे हो उसकी जगह पे आधी रोटी और बढ़ा दो, एक रोटी और बढ़ा दो, ये आप कर सकते हो। बाकी अति करूँगी दो खा रहे हैं उसकी चार एंड पाँच रोटी, ऐसा नहीं करना है आपको। एंड मैं आपको डाइट्स के चार जो पार्ट्स हैं मैं आपको बताऊँगा। डाइट में सबसे पहले जो आता है वो है हमारा फ्रूट्स। अब भाई मैं सिंपल आपको फ्रूट्स में भी एक सिंपल बताऊँगा, बनाना एंड चीकू, ये फ्रूट्स जो है वो हमारे जिम डाइट के लिए एकदम बेस्ट है। जिम के बंदों के लिए बनाना एंड चीकू ये जो है वो हीरा है हीरा। तो भाई आपको करना क्या है, सिंपली आप अगर जिम मार के मीन्स मैं जैसे मेरा बताऊँगा, मैं सिंपली छः से सात जिम मारता हूँ मॉर्निंग में, एंड वहाँ से आने के डायरेक्टली बाद वन ग्लास ऑफ वाटर लेता हूँ, उसके बाद में 4 to 5 बनानास एंड 1 to 2 चीकूस ये है ना मैं कंज्यूम करता हूँ, उसके बाद में आप मिल्क ले सकते हो। एंड सेकेंड जो हमारा आता है वो है हमारा ड्राई फ्रूट्स। अब फ्रूट्स तो हो गए, उसको ही ड्राई कर दो, ड्राई फ्रूट्स। तो बस ड्राई फ्रूट्स बहुत से लोगों को पता होगा एंड बहुत से लोगों को पता नहीं भी होगा। ड्राई फ्रूट्स में आते हैं हमारे खारिक, बादाम, काजू, ये अलग अलग टाइप के ड्राई फ्रूट्स आते हैं, वो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। इसमें से मैं जो लेता हूँ वो है हमारा खारिक, तो वो है हमारे एनर्जी सोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट है। तो हमें करना क्या है, सिंपली जिम जाने के पहले हमें है ना 2 to 3 उसको कंज्यूम करना है। एंड उसके बाद में आप जिम में देखोगे जो एनर्जी एक दिन पहले आ रही थी उससे कई गुना ज़्यादा एनर्जी आपको वो दिन पे आएगी। आता है हमारा थर्ड जो आता है वो है हमारा मिल्की फूड्स। अब मिल्की फूड्स मीन्स है ना उसको नाम से आप समझ गए होंगे कि मिल्क से बने फूड्स। अब मिल्क से बने फूड्स सिंपल, तो पहले मिल्क आ जाता है, मिल्क आप कंज्यूम कर सकते हैं। मिल्क में आप 2 to 3 बनाना सब कट करके मिक्स करके उसको बनाना शेक कर सकते हैं। एंड उसमें सेकंड जो आता है वो है हमारा पनीर, उसके बाद में कर्ड, ऐसे कुछ मिल्क के फूड्स आते हैं जो हमारे फैट गेन में या वेट गेन में या जो भी है बॉडी में, बॉडी गेनिंग में वो हमारे गेनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्या है, फोर्थ है हमारा ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सैलेड। ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सैलेड ये हमारा फोर्थ जो पॉइंट है, इसकी इंपॉर्टेंस आप सबको पहले से ही पता है। एंड ये हमारा वेट लॉस में भी मदद करता है, सैलेड जो है वो हमारा वेट लॉस में भी मदद करता है एंड वेट गेन में भी मदद करता है। सिर्फ इसके थोड़े डिफरेंट वे से वो आपको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि आपको सैलेड है ना वेट गेन के लिए कैसा लेना है, वेट लॉस के लिए सैलेड कैसे लेना है, तो उसके हिसाब से। बाकी सैलेड जो है वो हमारे वेट गेन एंड वेट लॉस मीन्स वेट मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट होता है। तो भाई इतना ही हमारा वीडियो हो गया, बहुत सा बड़ा ये वीडियो हो गया है, तो चलो इसको यहीं एंड करेंगे। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो मुझे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दे, वीडियो को लाइक करके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को फॉलो कर दे। एंड आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलो दुआ में याद रखें।